हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजुहब ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11th साइंस सब्जेक्ट जूलॉजी, टॉपिक गोल्गी बॉडी, गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय जो होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। इन्होंने उल्लू की तंत्रिका कोशिका जो होती है, उल्लू की तंत्रिका कोशिका, उसमें सर्वप्रथम गोल्जी कॉय की खोज की। सबसे पहले उल्लू की तंत्रिका में इसको देखा गया। यह केंद्रक के पास पाई जाती है, केंद्रक के समीप ऐसी संरचना होती है जो नलिका रूपी जालिकावत संरचना है जो अभिरंजकों से रंजित होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गोल्जी कॉय केंद्रक के पास पाई जाने वाली एक अभिरंजित नलिका रूपी जालिकावत संरचना होती है। इसका व्यास जो होता है 0.5 से 1.0 μm, इसका व्यास होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोट कोशिकाएं जो पाई जाती हैं उनमें यह उपस्थित रहता है। संरचना गोल्जी कॉय जो है उसकी संरचना में तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले सिस्टर्नी, सेकंड वेसिकल और थर्ड होती है ट्यूबुल, ट्यूबुल्स। तीन प्रकार की संरचनाएं इसमें पाई जाती है। सबसे पहले मुख्य जो भाग है गोल्जी कॉय का, उसमें सिस्टर्नी होती है जो कि नलिकाकार संरचनाएं होती है, नलिकाकार संरचनाएं होती है और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक समांतर रूप से, समांतर रूप से चट्टे के रूप में व्यवस्थित रहती है, चट्टा बनाकर रहती है। एक सिस्टर्नी, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर चट्टा बनाती है। इस प्रकार गोल्जी कॉय का निर्माण होता है। एक गोल्जी कॉय में सिस्टर्नी की जो संख्या होती है वो 3 से 12 तक होती है, 3 से 12 तक इसके अंदर सिस्टर्नी पाई जाती है। सिस्टर्नी की संख्या इसमें 3 से 12। अभी सिस्टर्नी जो केंद्रक की तरफ होती है, केंद्रक की तरफ या इनसे बना हुआ जो ये जट्टा है जिसको गोल्जी कॉय बोलते हैं, गोल्जी कॉय का वह भाग जो केंद्र की ओर होता है वो उत्तल होता है, उत्तल जिसको समपक्ष भी बोलते हैं, समपक्ष, या फिर इसको सिस फेस इसके नाम से भी जाना जाता है। सिस्टर्नी
केंद्रक की तरफ जो इसका हिस्सा होता है, भाग जो होता है वो उत्तल होता है, जिसे समपक्ष या फिर सिस फेस कहते हैं। और इसके अलावा कोशिका झिल्ली की तरफ, कोशिका झिल्ली की तरफ इसका जो भाग पाया जाता है उसे परिपक्वन या ट्रांस फेस कहा जाता है। इस प्रकार से सिस्टर्नी जो है उसका वह भाग जो कि केंद्रक की तरफ होता है वो समपक्ष भाग, और जो दूसरी साइड होता है उसको परिपक्वन भाग जो कि इसका अवतल हिस्सा होता है, अवतल वाला भाग इसमें पाया जाता है। सेकंड जो पार्ट आता है इसमें वो वेसिकल, और थर्ड जो है वो ट्यूबुल्स होता है। तो वेसिकल और ट्यूबुल्स जो होते हैं ये इसके चारों ओर पाए जाते हैं, यानी कि वेसिकल और ट्यूबुल ये दोनों सिस्टर्नी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, चारों तरफ से इसको घेरे रखते हैं, यानी कि वेसिकल और ट्यूबुल्स सिस्टर्नी के बाहर की ओर पाए जाते हैं। इसके अलावा जालिकाए या फिर गोल्जीकोए जो होता है इसके अन्य नाम हैं डिक्टियोसोम और लाइपोकॉन्ड्रियन, अन्य नाम डिक्टियोसोम इसको जालिकाए और सेकेंड इसका है लाइपोकॉन्ड्रियन। इन नामों से भी इसको जाना जाता है, ये इसके उपनाम है। इस प्रकार से गोल्जीकोए जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें थोड़ा सा रिवाइज अगर अपन करें तो गोल्जीकोए की खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी के नाम के आधार पर इसको गोल्जीकोए नाम दिया गया। केंद्रक के समीप पाया जाता है। सिस्टर्नी जो होती है उसके चट्टे के रूप में व्यवस्थित होकर इसका निर्माण करती है। इसके उपनाम डिक्टियोसोम, उजालिकाए और लाइपोकॉन्ड्रियन इसका उपनाम है। संरचना के अंदर तीन भाग पाए जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी नलिकाकार एक के ऊपर एक समांतर चट्टे के रूप में व्यवस्थित होकर गोल्जीकोए का निर्माण करती है। इनकी संख्या एक गोल्जीकोए में 3 से 12 तक होती है। केंद्रक की तरफ वाला भाग उत्तल समपक्ष सिस फेस कहते हैं, और झिल्ली की तरफ जो पाया जाता है उसे परिपक्वन ट्रांसफेस के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही इसकी दो जो अन्य संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं वेसिकल्स और ट्यूबुल्स, ये सिस्टर्नी को चारों तरफ से घेरे रखती हैं। तो इस प्रकार से गोल्जीकोए जो है वो कंप्लीट होता है। जो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हम बना सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर केंद्रक होता है उसके साइड में थोड़ा पास में इसको हम बना सकते हैं। ये इसकी डायग्राम होता है जिसमें सिस्टर्नी जो होती है कार से यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं केंद्रक को, और जस्ट इसके पास में ये गोल्जीकोए है। ये वाला जो भाग है ये यहाँ से सिस्टर्नी, और इसमें ये वाला पार्ट इसका ये समपक्ष, इसको बोलते हैं उत्तल सिरा जो कि किसके पास में है, केंद्रक के पास में। और दूसरा जो भाग है ये वाला ये उत्तल अवतल और इसको बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र या फिर ट्रांस फेस। ये वाला जो है इसको सिस फेस के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल सा इसका डायग्राम है, इसको हम बना सकते हैं।
तो इस प्रकार से इसकी संरचना जो है वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।